नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर के दसुहा में एक एक्टिवा सवार लड़की को सामने से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, लड़की की मौके पर ही हुई मौत। फरीदकोट में तेज आंधी के चलते घर का बनेरा टूटकर गली में जा रही कार पर गिरा, कार सवार पति पत्नी बाल बाल बचे। और अब हलचल विस्तार से। होशियारपुर के दसुहा में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक 21 वर्षीय लड़की की ट्रक के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा दसुहा बस स्टैंड के ठीक सामने हुआ, जहां अपने सैलून पर काम करने जा रही एक्टिवा सवार लड़की को सामने से आ रही एक ट्रक ने टक्कर मार दी और ट्रक का टायर गुजरने के कारण लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी एएसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान 21 वर्षीय अंकिता निवासी गांव बब्बोवाल थाना हाजीपुर के तौर पर हुई है, जो दसुहा में एक सैलून में काम करती थी। सुबह जब वे अपनी एक्टिवा से बस स्टैंड के सामने जा रही थी, तो एक ट्रक से टकराने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उन्होंने बताया कि मृतका के शव को दसुहा के सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है और मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि परिजनों के बयानों के आधार पर ही बनती कार्रवाई की जाएगी। देखो जी, साढ़े को प्राइवेट एम्बूलेंस से एक पेशेंट आया सीगा, अननोन पेशेंट सीगा, फीमेल सीगी, यंग एज सीगी, अप्रोक्सीमेटली एज 20-30 दे विच सीगी ओरी एज। तो साढ़े को ब्रॉड डेड आई सीगी, तो कहिंदे है कि उहदे ट्रक दे नाल टक्कर वगैरह हुई है, स्कूटी दे सीगी कुड़ी। तो साढ़े को ब्रॉड डेड आई है, तो असी अगे PI भेज दिती हुई है, अननोन पेशेंट आ, सानू नहीं पता किस एरिए दा रहण वाला, तो असी हुण मोर्चे च बॉडी रखवा दिती हुई है। तो जो भी उहदी अगों इनफॉर्मेशन होएगी, पुलिस कार्रवाई जो भी वो करनगे उस हिसाब नाल, उहदे अगर अटेंडेंट जो भी उहदे मदर फादर आ कितों भी सानू पता लगदा तो उहनां नूं उदों हैंड ओवर कर देंगे। असीं उहदा वैसे बेसिकली पोस्टमार्टम जरूर उहदा होएगा। सर, अज सवेरे बस स्टैंड दसुहा दे विच एक एक्सीडेंट होया, एक स्कूटरी ते ट्रक दा, जिहदे विच लड़की सी अंकिता डॉटर ऑफ मनजीत सिंह वासी बंबवाल थाना हाजीपुर जिला होशियारपुर, उम्र करीब 21 साल। वो अपने सलून में काम करती सी, सलून तो अपनी स्कूटरी ते किते बाहर जा रही थी, जाते हुए बस स्टैंड के ट्रक नाल टकराई, जिस नाल मौके पर ही मौत हो गई। हॉस्पिटल डेड बॉडी पजा दी गई है, ट्रक वाले नू हिरासत में लै लिया, बाद पोस्टमार्टम जो भी कार्रवाई बयाना ते होगी वो अगली कार्रवाई कानूनी कार्रवाई अमल में लियांदी जाएगी। फरीदकोट में तेज आंधी के चलते यहां की डोगर बस्ती गली नंबर 6 में एक घर का बनेरा पूरा का पूरा गली में गिर गया, जिसके चलते नीचे जा रही कार हादसे का शिकार हो गई। जिस समय टूटे बनेरे का मलबा कार की छत पर गिरा, उस समय कार में कार चालक और उसकी पत्नी सवार थी, जो घर से कहीं जा रही थी। गनीमत ये रही कि दोनों बाल बाल बच गए, लेकिन कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ टूटे बनेरे का मलबा गली में दूर दूर तक बिखरा देखा जा सकता है। वहीं कार का पीछे का शीशा भी चकना चूर हो गया। जिस समय घर का बनेरा टूटा, तब घर का मालिक घर पर नहीं था, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। 8:15 बजे घर तो निकले सीगे जी, ते एकदम वावरोला आया, ते गड्डी दे उत्ते जिहड़ा हैगा छत दे उत्ते सारा कुछ बनेरा गिर गया सारा। ते अंदर सी सवारियां? अंदर मैं ते मेरे मैडम दोनों असीं जा रहे सीगे। बचाव हो गया? बचाव हो गया, बिल्कुल पूरी तरह बचाव हो गया जी। नुकसान हो गया गड्डी? नुकसान तो देखो इंश्योरेंस हुई हुई है गड्डी दी, इंश्योरेंस कंपनी जिहड़ी हैगी उह अपना करेगी सारा, उह सर्वे करेगा, उस तों बाद ही पता लगेगा किन्ना नुकसान होया जी। अमृतसर के मंदिर शिव धाम बाबा स्वरूप दास जी कुंभी बेरी शक्ति नगर में मां भद्रकाली जी का मेला बड़ा ही धूमधाम एवं श्रद्धा के साथ प्रधान प्रमोद भाटिया बीना भाटिया की देखरेख में मनाया गया। इस अवसर पर पंडित फतेह कृष्ण शास्त्री ने मंत्रोच्चारण किया। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन एवं भेंट गायक राजीव वैष्णव ने माँ का गुणगान किया, तो वहीं मंदिर माँ के जयकारों से गूंज रहा था। इस मौके पर मंदिर कमेटी के महासचिव जगदीश
सतीश कालरा, राहुल भाटिया, पलक प्रथमेश, कनन भाटिया, दीप कौर आदि के साथ बड़ी संख्या में भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। वहीं अंत में भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अपनी हाजिरी भरने के लिए माते दर पे आए हैं। सभी भक्तों के साथ आप सबको माँ भद्रकाली जी की मेले की बहुत बहुत बधाई हो। ये कारण माँ भद्रकाली जी का साजे दरबार की जय। ये कारण महामारी का और साजे दरबार की जय। सीधे शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में हर माह के पहले वीरवार को भजन संध्या का आयोजन श्री देवी तालाब कीर्तन परिवार की तरफ से किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने बताया कि मां भक्तों के उत्साह को देखते हुए मां भगवती के आशीर्वाद से श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में हर माह के पहले वीरवार को भजन संध्या का आयोजन रात्रि 8 बजे से 9:30 बजे तक श्री देवी तालाब कीर्तन परिवार की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भजन संध्या का मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करना है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर कोई अपने जन्मदिन, वर्षगांठ तथा खुशी के मौके पर भजन संध्या करवाना चाहता है तो वह हर माह के पहले गुरुवार को आकर श्री देवी तालाब कीर्तन परिवार से करवा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले भक्तों के लिए लंगर प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाएगा। इस मौके पर ललित शर्मा, यश चड्डा, वरुण शर्मा व ललित जोशी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जय माता दी। देवी तालाब मंदिर कीर्तन परिवार वालों महाराणी की कृपा के नाल हर महीने एक चौंकी का वीरवार, महीने के पहले वीरवार में चौंकी का आयोजन किया जाएगा, जिहड़ा कि 8 बजे तो स्टार्ट होएगा और 9:30 बजे भोग पा दिता जाएगा। उस तो बाद आरती, फिर उस तो बाद सारे परिवार लैके आन और फिर उस तो बाद लंगर लगाया जाएगा महाराणी दरबार। ये सारा देवी तालाब मंदिर कीर्तन परिवार ही इसका आयोजन करेगा। जय माता दी, जय श्री राम। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक आर रूपेश म्यूजिकल ग्रुप ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार गब्बी फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक आर रूपेश म्यूजिकल ग्रुप को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Thank you.
प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक पंकज ठाकुर ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, नरेंद्र सहजपाल, चंदन मोहन ढिंगरा ने गायक पंकज ठाकुर को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अशोक शीतल, संजीव साहनी, सोहन लाल, किरण कुमार, राजेंद्र मदान, यशपाल, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। राम सिंह एंड संस के मालिक गुरमीत सिंह अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर वाहेगुरु जी के चरणों में जा विराजे। उनकी आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास गुरु द्वारा नौवीं पातशाही दुख निवारण साहिब गुरु तेग बहादुर नगर जालंधर में आयोजित की गई। इस मौके पर रागी सिंहों ने वैराग में शब्द गाकर स्वर्गीय गुरमीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से स्वर्गीय गुरमीत सिंह के भाई जगजीत सिंह और हरप्रीत सिंह को पगड़ी और सिरोपा भेंट किया गया। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में भाई जगजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, अमनप्रीत सिंह, जसप्रीत कौर, प्रभजोत सिंह सहित शहर के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय गुरमीत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। जी 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 जी
ਫਤਿਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਅਰਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜੇ ਟਿੱਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨ ਦਿਆਵਤ ਆਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਪਿਆ ਵੰਡ ਛੱਕਿਆ ਦੇਖ ਚੜਾਈ ਦੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਡ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮੇ ਸਿੱਧ ਦਿੱਤੇ ਮਨ ਮਨ ਕਟਵਾਏ ਟੋਕਰੀਆਂ ਧਾਈਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਾਰ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਰੂਪ ਮੁਕਮਾਏ ਇਕੱਲੇ ਆਵੇ ਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗ ਲੁੱਝ ਗਏ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕੀ ਕਰ ਸੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਲਾਲਚ ਪਿਰਥਾ ਜਨਤਾ ਆਏ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਗੁਰਨਾ ਗੁਰਬਾਹ ਦੇ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪਹੀਆ ਅਵਰ ਕਾਰਜ ਕਿਤੇ ਨਕਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ होशियारपुर के दसुहा में एक एक्टिवा सवार लड़की को सामने से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर लड़की की मौके पर ही हुई मौत फरीदकोट में तेज आंधी के चलते घर का बनेरा टूटकर गली में जा रही कार पर गिरा कार सवार पति पत्नी बाल बाल बचे इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल